हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एनसीईआरटी एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 19 में दे रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशो, यानी अनु और राज दोनों का प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा 4:5। 8 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशो देयर एजेस विल बी 5:6। 8 साल बाद उनकी एज का रेशो 5:6 हो जाएगा, तो बताओ उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पर्सन है, पहला है अनु, दूसरा है राज। मैं मान लेता हूँ लेट प्रेजेंट एज अनु की, जब कभी भी आपको इस तरीके से रेशो दे दे, आप उसको रेशो समझो ही मत, आप समझ लो कि उसको मेरी एक एक्चुअल वैल्यू है, बट ये रेशो है, मतलब कि कॉमन नंबर रहा होगा जिसमें इसमें हमने डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आई होगी, तो वो कॉमन मल्टीपल मान लेते हैं एक्स, यानी कि मेरी अनु की एज हो जाएगी 4x और इसकी एज हो जाएगी 5x। एक्स वो कॉमन मल्टीपल है जिसमें डिवाइड करने के बाद इनकी एज का रेशो 4:5 बना होगा। फिर बोला है 8 साल बाद, 8 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 8 साल बाद उनकी जो एज होगी वो कितनी होगी, जाहिर सी बात है आज से हम आने वाले कल के बारे में एज पता करें तो डेफिनेटली एज तो बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं। आज अगर कोई व्यक्ति 12 साल का है, 8 साल बाद कितने हो जाएगा 20 साल का, कोई 15 साल का है तो 8 साल बाद कितने हो जाएगा 15 + 8 = 23 साल का। तो आज अनु अगर 4x का है, 8 साल बाद कितने हो जाएगा 4x + 8 ईयर, राज हो जाएगा 5x + 8 ईयर, दोनों की एज आ गई। फिर जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनु और राज आज उनकी एज है, मतलब 8 साल बाद उनकी जो एज है 4x + 8 and 5x + 8 है। क्वेश्चन में बोला गया इनका अगर हम रेशो निकालें काट पीटने के बाद जो वैल्यू बनती है वो बनती है 5:6, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये उनकी रेशो 8 साल मतलब एज है और ये रेशो है, यानी उनको काटने के बाद ये वैल्यू बनी होगी, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 6 के साथ और इसको करेंगे 5 के साथ। 6 को 4 के साथ गुणा किया, 6 4 = 24x, 6 8 = 48, 5 को 5 के साथ 5 5 = 25x, 5 8 = 40। एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो, विदाउट एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो, ठीक। पॉजिटिव का है इधर आगे किसका हो जाएगा नेगेटिव का, ये हमारा पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का, माइनस किया 8 आया, माइनस किया 1x आया, यानी जो एक्स है हमारा वो 8 होगा। अगर बात की जाए इनकी प्रेजेंट एज की, तो यहाँ लिखूँगा मैं प्रेजेंट एज ऑफ अनु, यानी वो कॉमन मल्टीपल 8 था जिसमें मैंने डिवाइड करने के बाद इनकी रेशियो निकाली थी, तो एक्स की जगह पे 8 प्लेस कर दो, 8 4 = 32 ईयर, यानी कि वो अनु जो है वो 32 साल का होगा। एंड प्रेजेंट एज ऑफ राज, जो कि मैंने कितना माना है 5x 5 * 8, 5 8 = 40, यानी इसकी एज होगी 32, इसकी होगी 40। और इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।